गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो तेरा घाटा गर्ल न्यू वीडियो बाय हट बीसी। बट बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एवरीवन, आई एम मनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया, तुम जैसे चूतियों का सहारा। पहचाना, ये वही लड़कियां हैं जिनसे किसी का घाटा देखा नहीं जाता। इसमें तेरा घाटा, अबे बंद कर दो ये चुतियापा। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। तो स्वागत है आप सबका। एक बार बस तुम लोग मुझे बता दो, तुम लोग और कितने नाजायज सपने पूरे करने वाले हो। नहीं भाई, हम लोग पहले ही उस आंख मारने वाली डायन को रोजगार दिला चुके हैं और अब ये थोड़ी सी भी कोशिश न की। इसमें तेरा घाटा, इसमें तेरा घाटा। भैया 4 दिन में इन चारों लड़कियों ने मिलकर के पूरा प्लेटफॉर्म हिला दिया है और अब तेरा घाटा की अपार सफलता के बाद ये लड़कियाँ एक नए जहर के साथ आ चुकी हैं। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया, तुम जैसे चूतियों का सहारा। बिल्कुल ठीक कह रही है ये लड़की, चूतियों ने ही तो सहारा दिया इन लोगों को, जैसे कि ये। किसी भी कोशिश न की तुमने, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। कोई मदद कर दो इसकी, कतई घड़ियाल की प्रजाति का हो रखा है। ये वही लौंडे होते हैं जो गूगल पे जाके सर्च मारते हैं रोजेस आर रेड, पापड़ को कहते हैं चिप्स। जानिए शादी के बाद क्यों फूल जाते हैं महिलाओं के हिप्स। और भैया इन लड़कियों की नई वीडियो में भी कोई खास बदलाव नहीं है, वही दांत फाड़ी हुई चंडालिका। भैया चेहरे की मुस्कान बता रही है फ्रंट कैमरे जैसी टेक्नोलॉजी इस लड़की ने पहली बार देखी है। नहीं, देख रहे हो, खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और इस वाली लड़की का तो हिसाब किताब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि भैया हर वीडियो में इनके पास बस एक डांस स्टेप है। कोशिश न की तुमने, इसमें तेरा घाटा। अबे चाहती क्या हो जिंदगी से। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस लड़की की जिंदगी का ये पहला जहर है तो बेशक आप गलत हैं। सवालों का जवाब मत दे, बस एक सवाल का जवाब दे कि क्या तू भूल गई वो रात जब कमरे में सिर्फ हम थे, मैंने तुझे कस के पकड़ा था, तेरे कंधे पे सर झुका के तेरे कान में हल्के से ये कहा था कि वाह यही तो है असली क्रिएटिव कंटेंट, हम तो चूतिया है ना जो बैठ के अपनी रातें काली कर रहे हैं। नहीं भाई, होठ हिला दो, आंखें मटका दो, बस बन गई वीडियो। भाई वैसे भी म्यूजिक कली पे सिर्फ 2 तरह की चीजें चलती हैं, एक लड़कियां और दूसरे मीठे लौंडे। नहीं तुम लोग खुद बताओ भाई, इस 10 सेकंड की वीडियो में तुम लोग का ध्यान किस पे था। अबे यार मैं पूछ भी क्यों रहा हूँ, 99% लोगों का ध्यान इस पे था, और क्यों था ये मैं नहीं बताऊंगा, वरना YouTube मेरे साथ ये कांड करने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। और जिन 1% लोगों का ध्यान इस लौंडे पे था ना भाई, तुम लोग बीमार हो, अभी भी टाइम है किसी हकीम को दिखवा लो, वरना वो दिन दूर नहीं है जब तुम लोग मंजूल में तब्दील होकर के ऐसी वीडियो बना रहे होगे। हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में मेरी खुली खुली। अब इन चारों द्वारा फैलाए गए बवासीर पे 1 से 1 लोगों ने 1 से 1 चमत्कारी वीडियो बनाई है। थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार। हाय, खुशी देख रहे हो लौंडे के चेहरे पे, न जाने कितना ही महान काम कर दिया हो ये हरकत करके। और ये इसकी ये सब करने की उम्र थोड़ी है, कतई 4 बच्चों का बाप लग रहा है। अच्छा और है। अब और क्या कहना होगा हमने, 8 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए मेकअप देख रहे हो, कतई आटे की बोरी से निकल के आई है ये लड़की। थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने,
नहीं आ रहा है इन लोगों की अंगूठी से क्या दुश्मनी है। नहीं भाई, हर वीडियो में लड़की पालिका बाजार से खरीदी हुई 25 की 3 वाली अंगूठी फेंक के चली जा रही है। अबे अपनी अंगूठी फेंक करके क्या तुक बना। नहीं तुम लोग मेरी बात सुनो, समझो मेरी बात, तुम लोगों के पास बेटा अभी भी टाइम है, छोड़ दो ये सब, जिंदगी सवर जाएगी वरना पता नहीं चलेगा जिंदगी कब हाथों से मक्खन की तरह निकल गई और तुम लोग अंगूठियां फेंकती रह जाना। हाँ जितना साइज बताया है ना तुमने उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और देख रहे हैं आप लोग कैसे रूपा की चड्डी पहन करके अपने भाई ने इस वीडियो को मेरी नजर से देखा होता तुमने। नीम के पत्ते फूक के बैठा है ये, आंखों के नीचे की कालक बता रही है। सविता भाभी की मैगजीन को मुठ मार मार के ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है इसने। मुझे उल्टियाँ आ जाएंगी भाई, बाकी सब तो ठीक था लेकिन ये क्या बकचोदी है। अगर सच में भगवान ये सब देख रहे हैं ना तो खत्म कर दो इस दुनिया को, वरना ये खत्म कर देंगे। और आखिर में मैं बस ये कहना चाहता हूँ यार, भूल जाओ इस फालतू के ट्रेंड को। वैसे मैं जानता हूँ हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी ऐसे चुतिया पे बंद नहीं करेगी, क्योंकि भैया अगर ऐसे चुतिया पे बंद करके काम धंधों पे लग गए तो फिर देश की तरक्की नहीं हो जाएगी, बस फिर लगे रहो आराम से। तो बस यार आज का मुठकदमा यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो यार, आज का एम है 32,000 लाइक। देखो भाई कर दो लाइक, क्योंकि पिछली वाली वीडियो पे YouTube ने मुझे अपना प्यार दिखा दिया है, तो इस वाली वीडियो पे यार तुम लोग अपने भाई को प्यार दिखाओ, सपोर्ट करो यार, लाइक करो वीडियो को और वो जो लाल वाला बटन है उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बगल में घंटा बन के आएगा उस पर भी दबाओ ताकि तुम नोटिफिकेशन पाओ। तो बस यार मैं भी चलता हूँ, मैं पिछले 3 दिन से जाग रहा हूँ, आज तुम्हारा भाई हरी चटनी के नशे करके सोएगा। एंडिंग लगा। तो ये 4 लड़कियां खुद ज्यादा ही फेमस हो गई, उसके बाद जो गाना लाया था वो भी इन चारों का ही था। मैंने तो उनका ड्रेस भी नोटिस किया है इस वीडियो में कि सेम ड्रेसेस पहने हुए थे, लाइक रेड येलो, जो पहला दो तो मुझे याद है, तो सेकंड गाने में भी रेड येलो। तो शायद उन्होंने उसी दिन शूट किया होगा वो वीडियो, बस बाद में डाल दिया। एंड 4 दिन तक ये लोग ट्रेंड पे चले, उसके बाद उस ट्रेंड को जिस तरीके से डुएट कर करके लड़कों ने, माँ कसम कहाँ से कौन से, एक इंसान ने तो वो सिर्फ नहा रहा था शी, और वो नहाते नहाते उसने वो वीडियो बना दिया मेरा कुछ नहीं जाता वगैरह, और एक इंसान उसने तो सिर्फ नीचे वो क्या रूपा पहना था उस पर उसने वीडियो बना दिया। देवा 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 कहाँ से कहाँ, मुझे अब भी ऐसा लग रहा है जितना मैं रिएक्ट कर रही हूँ कि मैंने टिकटॉक पे कुछ ज़्यादा नहीं देखा, मतलब मैं रहती थी कभी कभी देखती थी कभी कभी नहीं, ऐसा होता था। तो आज मुझे लग रहा है यार ये सब तो मैंने देखा ही नहीं, ये सब तो मैं जानती नहीं हूँ, ये कब हुआ था, ये ऐसे डेंजरस टाइप के डुएट कब हुए थे पता ही नहीं चला, सिर्फ लड़कियाँ चलते हैं फिर मीठे लड़के जैसे इस देखा सीरियसली माँ कसम, मतलब कभी कभी लगता है ना लाइक बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो अगर सब यंगस्टर्स ये छोड़ के अगर कुछ अच्छा करने जाए तो देश की तरक्की ना हो जाएगी, वो इनको तरक्की तो चाहिए नहीं है तो ये लोग तो यही करेंगे माय गॉड। और बाकी तो वो अंगूठी की बात जैसे उसने की कि क्या बाबा अंगूठी से क्या प्रॉब्लम है, इन लोगों को एक ट्रेंड पे लग जाते तो ट्रेंड पे ही चले जाते ना सब लोग, कि बाबा अच्छा ये गाना ट्रेंड पे तो सब लोग वही करते थे, टिकटॉक का वही प्रॉब्लम होता था, एक ट्रेंड पे आया वो एक लड़के ने ऐसा ऐसा कुछ नाक का किया वही ट्रेंड पे चला गया था, तो फिर अंगूठी से क्या प्रॉब्लम है, वो 10-15 रुपए की खरीदी हुई अंगूठी हर एक वीडियो में आगे फेंक के जाते हो फेंक के जाते हो फेंक के जाते हो, उसको फील हुआ उसको बहुत तो ये ना मेरा रिएक्शन ऑफ द वीडियो तेरा घाटा गर्ल न्यू वीडियो बाय हट बीसी। और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके व्यूज़ पे मुझे पता चलता है कि मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो मैं आती हूँ रोज़ वीडियोस के साथ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी परत नहीं आले छा बाय।